आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस बच्चों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 cos 58° अपॉन में 32° माइनस का रूट 3 cos 38° cos है 52 अपॉन में 10 15 10 60 10 75। इसको कैसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है बच्चों, 90 8 2 10 5 3 8 1 9। अगर यहाँ पे ऐड करने पे 90 बच्चों आ रहा है, तो इसमें से इसका मीन्स है कि इसमें से किसी एक को चेंज करना है। तो चेंज करने का तरीका बच्चों ये है कि 2 को 2 लिखेंगे हम लोग, ए को चेंज करना है, या तो 58 को चेंज करें या तो 32 को। मान लीजिए 58 को चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस का 32। देखिए ध्यान दीजिए, 58 लिखा है, ये भी 58 लिखा है, बस तरीका चेंज हो गया है लिखने का बच्चों। और अपॉन में साइन 32, नीचे चेंज नहीं करेंगे बच्चों। जब एक जगह मैंने चेंज कर दिया है तो फिर नीचे चेंज नहीं, या तो फिर नीचे चेंज करें ऊपर फिर चेंज नहीं करेंगे। रूट थ्री की जगह रूट थ्री, मैंने देखा ये 38 लिखा है 52 लिखा है, इनको भी ऐड करें 90 आ रहा, तो इनमें भी किसी एक को चेंज करेंगे बच्चों। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो cos 38 को मैंने चेंज किया मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे 90 माइनस का 52। अगर इसको चेंज करेंगे तो 90 में ये सेपरेट करेंगे, अगर इसको चेंज करेंगे तो फिर इसको सेपरेट करेंगे, और फिर लिखेंगे cosec 52°। ओके बच्चों, अपॉन में हम लोग देख रहे हैं कि 1060 की वैल्यू हम लोग को मालूम होती है, लेकिन 15 और 75 की वैल्यू नहीं मालूम होती हम लोग को। तो 1015 और 75 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो 1015 को मान लीजिए चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस का 75, किसी एक को भी, चाहे इसको चाहे इसको। 1060 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, अंडर रूट 3, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, और 75 को ऐसे ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ओके बच्चों, फिर देखते हैं 2 cos 90 माइनस थीटा। बच्चों फॉर्मूला लगेगा cos 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है बच्चों, 32° अपॉन में साइन 32 माइनस, ये देखना रूट थ्री से रूट थ्री बच्चों यहाँ पे कट जाएगा, इनटू में है कट जाएगा। cos 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा, साइन 52°, और ये बच्चों cosec 52°। नीचे देखते हैं बच्चों 1090 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा मतलब cot 75 इंटू ये 1075 लिखा है, तो लिख देंगे इसको बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ कट जाएगी इससे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 माइनस। अब बच्चों साइन और ये cosec लिखा है, ये साइन 52 लिखा है, ये cosec, तो हमें मालूम है जो साइन तो ठीक है लिखा है नहीं देंगे, और 52° और cosec को होता है मालूम है कि साइन का उल्टा, तो उसको लिख देंगे 1 upon sin 52। किसी एक को भी लिख देंगे उल्टा के, क्योंकि साइन जो होता है cosec का उल्टा होता है, cosec जो होता है साइन का उल्टा होता है। cot और 10 भी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, cot को क्या लिख दिया मैंने 1 upon 1075 बच्चों, 1075 बच्चों, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस, ये कट जाएगा इससे बच्चों, ये कट जाएगा इससे, क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो 2 में बन जाएगा बच्चों 1 बचेगा। ओके बच्चों, सुनना है ऐसे बच्चों को, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से लगेगा बच्चों, ध्यान से दे लीजिए। मैंने कहा है इनको ऐड करने पर 90 अगर आए तो चेंज करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर भी ऐड करने पर 90 आ रहा है बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 55 cos 35 10 5 10 25 10 45 10 65 10 85। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इनको भी ऐड करने पे क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, 70 प्लस 20 कितना होता है बच्चों, 90। तो जब इनको दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा, तो किसी एक को चेंज करेंगे बच्चों। मान लीजिए अब की इस बार मैं cos 70 को नहीं 20 को चेंज कर रहा हूँ मान लीजिए, तो 20 क्या लिखूँ, साइन ही ध्यान दें, साइन लिखेंगे अभी, साइन लिखा है, और 20 को बस लिख देंगे 90 माइनस 70। देखिए 20 ही लिखा है, बस तरीका चेंज हो गया लिखने का। प्लस इन दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, ध्यान देखिए 5 5 10 5 3 8 9, तो किसी एक को चेंज करिए, बताइए किसको चेंज करें, किसी को एक को भी चेंज करिए। मैंने cosec को चेंज किया मान लीजिए, cos 55 और cosec की जगह cosec, और 35 को मैंने लिख दिया 90 माइनस का 55। देखिए 35 लिखा है, तो ये भी 35 लिखा है, cosec लिखा है, cosec लिखा है, अपॉन में ध्यान दीजिए बच्चों, ये 5 है तो किसको ऐड करने पर, हाँ 85 को ऐड करने में 90 आएगा, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए 5 को चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, मान लीजिए 5 को मैंने चेंज नहीं किया, 25 में 65 को ऐड करेंगे तब भी 90 आएगा, तो इसको भी मैंने चेंज नहीं किया, मैंने जो बड़ी वाली वैल्यू थी उसको चेंज किया। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, 1045 की 1 होती है, और मान लो मैंने इसके चेंज किया तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस का 25°। ओके बच्चों, 65 में 25 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, और 85 क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना 10 90 माइनस
फाइव डिग्री। बच्चों नीचे लिखा है मैंने, ध्यान दे दीजिए बच्चों, ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दिया मैंने, फिर इक्वल लगाऊंगा मैं। बच्चों फॉर्मूला देखिए, ध्यान दीजिए फॉर्मूले पे, कॉस 70 अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, बोलो कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस 55 को मैं ऐसे ही लिखूंगा बच्चों, और कॉसिक जो होता है बच्चों क्या होता है, साइन, साइन होता है बच्चों, सॉरी कॉसिक बच्चों, सॉरी साइन नहीं होता, सॉरी बच्चों कॉसिक होता है बच्चों सेक, सॉरी बच्चों सेक होता है सेक 55 डिग्री, ओके बच्चों, अपॉन में 10 5 10 25, वन को लीव कर दें, इनटू में कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं, तो वन को मैंने लीव कर दिया, छोड़ दिया बच्चों, 10 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 25, और ये क्या हो गया बच्चों, कॉट 5 डिग्री, ये कर दिया बच्चों, ये कट जाएगा, तो यहाँ वन बचेगा बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे वन लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे वन छोड़ेंगे नहीं बच्चों, वन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, और कॉस उससे क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे की उल्टी, ये बच्चों कुछ नहीं लिखा, कटा है बच्चों गलती से, मुझे लिख गया था, तो कॉस 55 की जगह कॉस 55 लिखेंगे, और मैंने सेक को लिख दिया बच्चों, वन अपॉन कॉस होता है बच्चों, कॉस का उल्टा बच्चों, कॉस का उल्टा बच्चों सेक होता है ना, तो मैंने लिख दिया बच्चों, ये 10 ये भी 10 ये दोनों कॉट, तो मैंने क्या किया, 10 5 को ऐसे लिखा, 10 25 को भी मैंने ऐसे लिखा, और कॉट 25 को लिख दिया मैंने 1 अपॉन 10 25, इसको भी लिख दिया मैंने 1 अपॉन 10 5, ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर सब कुछ कट जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह 1, ये इससे ये कट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, और इससे ये, तो सिर्फ क्या बचेगा 1, और 1 1 बच्चों कितना हो जाएगा 2, ओके बच्चों समझ में आया सब बच्चों को, बोलिए बच्चों सब बच्चों को समझ में आ गया बच्चों, सभी लोग को समझ में आ गया अच्छे से बच्चों, सब लोग देख लीजिए बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइन 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 अपॉन में कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 और प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 63 इंटू साइन 27 बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग पास लिखा है बच्चों, तो क्या करेंगे देखिए बच्चों, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है बच्चों, 90 आ रहा है, इन दोनों को भी ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो इसमें से किसी एक को चेंज करिए, और इसमें से भी किसी एक को चेंज कर दीजिए बच्चों, तो किसी एक को मतलब मैंने मान लीजिए 68 को चेंज किया, बड़े वाले को चेंज किया, तो साइन स्क्वायर 22 को ऐसे लिखा मैंने, और साइन स्क्वायर इसको लिखा मैंने 90 माइनस 22, और नीचे मैंने ऐसे लाइन खींच दी बच्चों, और नीचे भी मैंने मान लीजिए कॉस स्क्वायर 22 ऐसे लिखा, और कॉस स्क्वायर 68 को मैंने चेंज किया, तो क्या लिखा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68 प्लस, बच्चों ये अकेला तो इसको इस तरह नहीं देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 63, और यहाँ देखिए 63 लिखा है 27, दोनों बच्चों क्या है, दोनों को ऐड करने में कितना आएगा, 90 आएगा बच्चों, तो 90 आ रहा है, तो मीन्स एक को चेंज करिए, देखिए यहाँ पे 63 लिखा है, तो मैं चाहता हूँ 63 यहाँ पे रहे, तो 27 को मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पे, जिससे कि फॉर्मूला बच्चों बन सके, साइन 90 माइनस 63, ओके बच्चों, ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया बच्चों, साइन स्क्वायर 22 को ऐसे ही लिखा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 22 होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर 22 को मैंने ऐसे लिखा, प्लस ये क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 90 माइनस बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 63, ठीक है बच्चों। अब इसको दो प्रकार, ये तो पूरा बच्चों काट दीजिए बच्चों, देखिए पूरा कट रहा है बच्चों, ये तो पूरा काट दीजिए, या तो इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, ध्यान देखिए इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का देखा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, या पूरा कट कर लीजिए तब भी चलेगा बच्चों, तो कोई भी कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 मतलब मीन्स 1 ही तो आएगा बच्चों यहाँ पे, प्लस किसी प्रकार से आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऊपर भी 1 होगा और नीचे भी 1 होगा, या पूरा पूरा कट कर लीजिए तब भी 1 ही बचेगा, साइन स्क्वायर 63 बच्चों, देखिए बच्चों कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो बार कॉस लिखा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 बच्चों, 1 प्लस बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा बच्चों सेम है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, और 1 1 कितना होता है बच्चों, 2, ओके बच्चों समझ में आया सब बच्चों को, ये 1 1 2 हो गया बच्चों, उसका आंसर कितना आएगा 2। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कॉस 65 अपॉन साइन 25 कॉसेक 34 अपॉन सेक 56
माइनस टू कॉस 43 कॉस 47 अपॉन में 10 डिग्री 10 40 डिग्री 10 50 डिग्री 10 80 डिग्री बच्चों। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा बच्चों, 90 आ रहा। तो 90 आ रहा तो मतलब किसी एक को चेंज कर देंगे बच्चों, किसी एक को भी चेंज कर दीजिए, माने 65 को चेंज किया तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस का 25 अपॉन में साइन 25 को सेम टू सेम लिखेंगे बच्चों। इनको दोनों को भी ऐड करें, 90 आ रहा, 6 4 10 5 3 8 9 एक को चेंज करो बच्चों, किसी एक को भी चेंज करो, मान लो इसको चेंज किया तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस का 56 अपॉन मैंने ऐसे लिखा बच्चों, सेक 56 माइनस, इन दोनों को ऐड करने बच्चों 90 आ रहा, देखिए 7 3 10 4 4 8 1 9 तो किसी एक को चेंज कर दीजिए बच्चों, किसी भी एक को, मान लीजिए 43 को ऐसे लिखा मैंने और कॉस सेक 90 माइनस 43 अपॉन में 10 है और ये 80 है, 10 और 80 बच्चों 90 होता है, किसी एक को चेंज करेंगे इन दोनों में बच्चों, और इन दोनों को बैठ कर 90 आ रहा बच्चों, तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में भी किसी एक को चेंज करेंगे, किसी को भी चेंज कर देते हैं बच्चों। मान लीजिए 10 को मैंने 10 लिखा, 10 40 को मैंने 10 40 लिखा और 50 को मैंने चेंज किया, मान लीजिए क्या लिखा मैंने, 90 माइनस 40 और ये 80 को मैंने लिखा मैंने 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये सब इनटू में है बच्चों। बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन 25 डिग्री अपॉन में साइन 25 प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा बच्चों, ध्यान दे कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा मतलब सेक 56 अपॉन में सेक 56 माइनस टू कॉस 43 की जगह कॉस 43 और कॉसेक की जगह बच्चों होता है साइन 43 सॉरी बच्चों सेक 43 सॉरी बच्चों सेक 43 होगा, कॉसेक क्या होता है बच्चों सेक 43 यहाँ से लिखा बच्चों, ये 10 की जगह मैंने 10 लिखा बच्चों, 10 40 की जगह मैंने 10 40 लिखा और 10 90 माइनस बच्चों क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 40 लिखा और ये मैंने लिखा कॉट 10, ठीक है बच्चों। बच्चों ये कट जाएगा यहाँ पर 1, ये कट जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 43 डिग्री और सेक 53 बच्चों होता है 43 होता है 1 अपॉन कॉस 43 डिग्री, ओके बच्चों। और फिर देखते हैं 10 10 को मैंने 10 10 लिखा बच्चों, 10 40 लिखा और कॉट 40 को लिखा मैंने 1 अपॉन 10 40 और इसको लिखा मैंने 1 अपॉन 10 10, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा माइनस, इससे ये कट जाएगा बच्चों और ये कट जाएंगे और ये यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 2, तो 2 में 2 जाएगा बच्चों कितना बचेगा 0, ठीक है बच्चों। आगे इसमें देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लिखा है कॉट थीटा प्लस 10 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस रूट 3 10 5 10 45 10 85। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, तो कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा लिखेंगे बच्चों, 10 90 माइनस बच्चों क्या होता है कॉट थीटा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कॉट थीटा, सेक 90 माइनस बच्चों क्या होता है कॉस सेक थीटा। राहुल दीदी का पहले क्या करें, पहले पुस्तक ठीक है आने दो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस बच्चों 65 और 25 90 होता तो मैंने चेंज किया 25 को बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा 90 माइनस 65 ठीक है, 5 और 85 बच्चों क्या होता है 90 होता है, तो मैंने एक को चेंज किया, ध्यान दीजिए 10 5 को मैंने 5 लिखा और 10 45 को मैंने 10 45 लिखा और 10 45 वैल्यू होती है हम रख देंगे अभी बाद में, तो 85 को मैंने चेंज किया 10 90 माइनस 5 डिग्री ठीक है बच्चों। कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा बच्चों, कॉट थीटा की जगह मैंने कॉट थीटा पुट किया और कॉसेक कॉसेक बच्चों दो बार है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, इसमें भी दो बार है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65
प्लस साइन 90 माइनस बच्चों क्या होता है कॉस कॉस थीटा, सॉरी बच्चों कॉस 65 प्लस रूट थ्री की जगह रूट थ्री, टेन फाइव की जगह बच्चों टेन फाइव, 45 की वैल्यू बच्चों वन होती है और टेन 90 माइनस बच्चों क्या होता है कॉट थीटा कॉट 5 डिग्री। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, तो कॉस एक स्क्वायर थीटा पहले हो जाएगा बच्चों और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बाद में। क्यों ऐसा किया बच्चों? क्योंकि इसकी वैल्यू वन होती है और इसकी वैल्यू बच्चों वन होती है तो वहाँ पे वन और रूट थ्री की जगह रूट थ्री, टेन फाइव की जगह टेन फाइव, वन हटाएंगे इसको लिख देंगे वन अपॉन टेन फाइव होता है बच्चों उल्टा, तो टेन फाइव किया जाएगा कट जाएगा, ये बच्चों क्या होगा माइनस का वन, ये प्लस का वन और यहाँ पे क्या बचेगा रूट थ्री, वन से वन बच्चों कट जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे रूट थ्री। ओके बच्चों आया समझ में तुमको? इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस में बताऊंगा।